बल्ले बल्ले हम लोग क्लास टेन में आ गए हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होता है जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइचन से लिचन बोलो लाइकन बोलो लाइचन बोलो, बोलो जो मर्जी बोली वारे कुछ भी बोलो सो so, लिचन क्या है लिचन मैं लिचन बोलूँगा सुनने में अच्छा लगता है लिचन लिचन क्या है एक प्लांट है जो कि थाइलोफाइटा डिविजन से होता है थाइलोफाइटा प्लांट थाइलोफाइटा डिवीजन का जो एक प्लांट है उसका नाम है लिचिन और लिचिन से अगर आप एक डाई बनाते हो जो कि पर्पल कलर का होता है उसको बोलते हैं फंक्शन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स फॉर शॉर्ट आर जैसे रेड कैबेज लीव्स लाल कैबेज गोभी लाल गोभी गोभी भक्तों के फेवरेट रेड कैबेज लीव्स टर्मरिक, सर्टन फ्लावर पेटल्स लाइक हाइड्रांजिया पेटूनिया जेरानियम तो ये सब क्या है नेचुरल एड्स एड बेस इंडिकेटर्स हैं तो आप नाम याद रख सकते हो एक होता है तो लाल गोभी जी रेड कैबेज लीव्स टर्मरिक और सर्टन फ्लावर पेटल्स लाइक हाइड्रांजिया पेटूनिया जिरेनियम हाइड्रांजिया पेटूनिया और जीरेनियम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स और कंपाउंड्स थ्रू देयर डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स और स्मेल्स तो हमें यह पता चल जाता है कि किस कैसे पता चलता है सुगंध से या दुर्गंध से या उसके महक से ठीक है तो अगर हम ऑर्डर से अगर हम लोग पता कर रहे हैं तो वो बन जाएगा ऑल फैक्ट्री ओ एल एफ ए सी टी ओ आर वाई ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स सो so, वैसे सबस्टैंड है जो कि इंडिकेट करते हैं कि उस सब्स्टैंस में कुछ केमिकल्स या कंपाउंड्स है आ, देखो केमिकल्स और कंपाउंड्स दुर्गंध या फिर कोई चीज़ का स्पेशल अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है ना तो वो अलग ही स्मेल करता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इस चीज़ में ये है ऐसा है ये मटेरियल शायद होगा जिसके कारण से वो ये स्मेल कर रहा है अमोनिया क्या है अमोनिया हैज़ अ है पंजेंट एंड शार्प स्मेल बहुत गंदा महकता है और विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस एंड अमोनियम कंपाउंड्स तो अमोनिया पंजेंट और काफ़ी शार्प स्मेल होता है तो उससे हमें पता चलता है उसमें अमोनियम है अमोनिया गैस होगा या अमोनियम का कोई कंपाउंड होगा विनेगर द स्ट्रांग सार्स स्मेल ऑफ विनेगर इज इंडिकेटेड और द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड सो विनेगर का जो स्मेल है ना उससे हमें पता चलता है कि उसमें क्या है एसिटिक एसिड है और गार्लिक 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 क्या होता है अरे लहसुन ठीक है सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ लेसुन भी महकता है तो किसके कारण से वो अलग सा गंध आता है सल्फर के कारण से तो गार्लिक में सल्फर की वर्ड याद रखो अमोनिया में तो पता है अमोनियम गैस और अमोनियम कंपाउंड्स होगा विनेगर एसिटिक एसिड है गार्लिक में सल्फर कंपाउंड्स सड़ा हुआ अंडा सड़ा हुआ अंडा हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स विच इज कॉज्ड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज यूज एज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स और सर्टन केमिकल रिएक्शंस ठीक है क्स्ट स्कंक स्प्रे स्कंक स्प्रे क्या है हैज स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लेजेंट ऑर्डर सर्विंग एज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फॉर पोटेंशियल डेंजर फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्कंक ये स्कंक मतलब किंकी याद कुछ यात्रा समझा गंदा गंदा तो वह स्कंक मतलब कुछ गंदा स्मेल ही आएगा वेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैन अकर बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड द स्पेसिफिक एसिड और बेस इन्वॉल्व सो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकर होते हैं सो द रिएक्टिविटी वो जो रिएक्शंस होगा वो किस चीज़ पर बेसिस होता है वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और स्पेसिफिक एसिड और बेस के बेसिस पे रिएक्टिविटी होती है एसिड मेटल रिएक्शन क्या है एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक आयरन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस एक्टिव मेटल्स जैसे जिंक है आयरन मैगनीशियम है और एल्यूमिनियम है ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस द जनरल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज एसिड प्लस मेटल क्या देता है सॉलिड प्लस गैस सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस

सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बन जाएगा ये एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस एच टू सम मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कंसिडर्ड नोबल मेटल्स एन आर रिटिवली अनरिएक्टिव विथ मोस्ट गैस एसिड्स एंड बेस तो जैसे कुछ मटीरियल्स होते हैं ना गोल्ड है प्लेटिनम है, है तो बहुत सारे एसिड्स और बेसिस पे ये अनरिएक्टिव होते हैं जनरली हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि यहाँ रिएक्ट ही नहीं करेगा अगर उस, उसमें ऑब्वियसली उसमें इम्प्योरिटी रहेगी तो रिएक्ट कर जाएगा लेकिन प्योर गोल्ड और प्लट प्लाटनम के बारे में बात हो रही है तो वो बहुत कम रिएक्टिव अनरिएक्टिव होता है द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल एबिलिटी टू अंडर गो रिएक्शन विद द एसिड्स और बेसिस सो रिएक्टिविटी हम कैसे डिसमिन करते हैं कि वो एसिड्स और बेसिस के बेसिस पे ही हम लोग रिएक्टिविटी जज करते हैं जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं और तो वो जो केमिकल रिएक्शन बनता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन कब होता है जब एसिड और बेस कंबाइन करता है सॉल्ट और वाटर फॉर्म करके तो द रिएक्शन द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द एसिड टू द बेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड अ सॉल्ट कंपाउंड तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड प्लस बेस मिल करके अगर सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा तो हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे जैसे HCl सी एल प्लस एन ए ओ ओ एच गेवस एनए सी एल प्लस एच टू ओ

और बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स कोई लेगा कोई देगा रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंपाउंड ओके तो वो क्या मिलेगा आ, वही सॉल्ट एंड वाटर बनेगा सही बात सही है वैन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स सही बात है जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ में रिएक्ट करता है तो केमिकल रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है

उसी तरह से आयरन थ्री ऑक्साइड एंड सल्फेरिक एसिड रिएक्ट करता है आयरन थ्री सल्फेट और वाटर से ये याद करने का जरूरत नहीं है ये सब पता चल जाता है कॉमन सेंस बस बेसिक बेसिक चीज जानने में रीड करना है द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड विच कैन एक्ट एज अ बेस आर न्यूट्रलाइज बाय द एसिड द रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट कंपाउंड विच कंटेन्स द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड एंड एनायंस फ्रॉम द एसिड एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट When non metallic oxides react with bases, they undergo a type of a chemical reaction known as acid base or neutralization reaction. The basic properties of the oxide are neutralized by the acidic properties of the base, resulting in the formation of salt and water. The general equation of the reaction between the non metallic oxide or base is non metallic oxide plus base gives salt and water. कपल ऑफ एग्जांपल्स जैसे वही चीज है सीओ टू प्लस एनओ एच गिओ थ्री प्लस एच टू एस ओ टू प्लस सी ई एच होल्ड टू गिओ थ्री प्लस एच टू हो छोटो छोटे नहीं है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है एच प्लस और ओ एच आइनस माइनस में अगर टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन बहुत एसडस एन बेसिस अंडर गो अ प्रोसेस कॉल डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन इन वाटर एसिड्स रिलीज एच प्लस आय रिलीज करता है पानी में घुलने के बाद डिजॉल्व होने के बाद और बेसिस जो है वो रिलीज करता है ओ एच माइनस आयंस सो द प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन फिर है हाइड्रेशन द एसिड और बेस मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल हाइड्रेशन और सॉल्वेशन वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द इंडिविजुअल आयन्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड और बेस सेपरेटिंग दैम विथ फ्रॉम ईच अदर एंड देयर चार्जेस आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है वाटर इट सेल्फ अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन वेर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इंटू हाइड्रोनियम आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स एच थ्री ओ प्लस एंड ओ एच माइनस द आयोनाइजेशन प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन्स इन एन एक्व सोल्यूशन तो देखो पानी खुद से ही कभी ना कभी सेल्फ आयोनाइजेशन कर जाता है या ऑटो आयोनाइज कर जाता है हाइड्रेशन किसको बोलते हैं एसिड और बेस मॉलिक्यूल्स इंट्रा वाटर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं uh, उसको प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन या सॉल्वेशन घुल जाना और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर वाटर जो है एच टू वो ब्रेक कर जाता है एच थ्री ओ प्लस और ओ एच माइनस में ठीक है पी एच इफेक्ट क्या होता है एसिड्स इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स इन द सॉल्यूशन लीडिंग टू द डिक्रीज इन पी एच एंड मेकिंग द सॉल्यूशन एसिडिक द एसिड्स क्या करते हैं ना एच प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं जिसके कारण से जो पी का है हाइड्रोजन पोटेंशियल वो घट जाता है और उसका सोल्यूशन का क्या होता है ना एसिडिक uh, बन जाता है बेस्ड ऑन बेसिस ऑन द अदर हैंड इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयंस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन पी एंड मेकिंग द सोल्यूशन बेसिक ठीक तो एसिड को डालोगे तो वो सोल्यूशन को एसिडिक बनाएगा और सोल्यूशन एसिडिक बन गया है तो पी कम हो जाएगा और बेस को ऐड करोगे तो ओ OH माइनस का कॉन्सनट्रेशन बढ़ जाएगा मतलब बेसिक बन जाएगा पी का सोल्यूश पी का कॉन्सन्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा द पी एच स्केल इज अ मेजर ऑफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स इन अ सोल्यूशन कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं वैन एसिड्स और बेसिस आयोनाइज इन वाटर दे जनरेट आयन्स दे इनहैंस द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन द प्रेजेंस ऑफ आयन्स अलाउज द सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट पी एच स्केल मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सोल्यूशन पी एच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर पोटेंस मतलब जिसको बोलते हैं पीएच का है ना पी एच का मतलब क्या था? German word है जर्मन वर्ड है पोटेंस जिसका मतलब होता है पावर पीएच पोटेंस ठीक इसको आप पावर ऑफ हाइड्रोजन है हाइड्रोजन पोटेंशियल भी बोल सकते हो द स्केल जो होता है वो रेंज करता है जीरो से लेके फोर्टीन जीरो अगर होगा तो वेरी एसिडिक होगा फोर्टीन होगा तो वेरी एल्कलाइन होगा पी एच इंडिकेट्स द एसिड और नेचर एसिड और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन ओके सेवन होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा सेवन से कम होगा तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस एसिडिक है और सेवन से ज्यादा होगा तो बोलेंगे वो सब्सटेंस बेसिक है ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस कोरिस्पॉन्ड्स टू अर पी एच वैल्यू सही बात है अगर हाइड्रोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हुआ ना बुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि पी वैल्यू कम है न्यूट्रल सोल्यूशन जो होता है तो उसको हम पी कितना होता है सेवन होता है लेस देन सेवन अगर है तो आ, तो हम बोलेंगे एसिड एसिड है और सेवन टू फोर्टीन है तो क्या बोलेंगे एल्कलाइन है पी एच स्केल कैन बी मेजर्ड यूजिंग पेपर इम्प्रेगनेटे इम्प्रेगनेटेड विथ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर को इम्प्रेगनेट कर दूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ में ह्यूमन बॉडी द पीएच वैली बैलेंस इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गेन्स एंड सिस्टम सच एज ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम स्किन यूरिन हैव सर्ट स्पेसिफिक पीएच लेवल्स दैट मस्ट बी रेगुलेटेड फॉर ऑप्टिमम हेल्थ फॉर एग्जाम्पल द पी एच ऑफ ब्लड इज टाइटली कंट्रोल्ड विद अ नैरो रेंज ऑफ सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव जैसे ब्लड है ना ब्लड का पी किसके बीच में होना चाहिए सेवन पॉइंट थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर फाइव में ये बीच में होना चाहिए अगर इससे काम हुआ है बाबा तो एसिडिक ब्लड हो जाएगा और सेवन पॉइंट फोर फाइव से ज़्यादा हुआ तो बेसिक ब्लड हो जाएगा बाबा तो ध्यान रखना है खान पान एक्सर से करो वाटर क्वालिटी पी इज अ क्रिटिकल पैरामीटर इन डिटरमिन द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज ड्रिंकिंग वाटर स्विमिंग पूल्स एक्वेटिक्स नीड टू में पी एच लेवल टू सपोर्ट द लाइफ एंड प्रिवेंट द क्रोशन और स्केलिंग एग्रीकल्चर एंड सॉइल हेल्थ क्या है पी एच एफेक्ट्स द सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स हैव स्पेसिफिक पी एच रिक्वायरमेंट्स एंड एडजस्टिंग सॉइल पी एच थ्रू प्रोसेस लाइक लिमिंग और एसिडिफिकेशन कैन एनहेंस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो देखो एक प्रोसेस है जिससे नाम है लिमिंग लिमिंग या एसिडिफिकेशन इससे क्या होता है ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है फूड और बेवरेजेस खाना पीना खाना और ड्रिंकिंग बेवरेजेस मतलब ड्रिंक्स सो पी एच इंफ्लुएंस द टेस्ट टेक्स्चर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इट अफेक्ट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स ड्यूरिंग कुकिंग एंड कंट्रीब्यूट टू फूड स्पॉइलेज और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्लीनिंग एंड हाइजीन पी एच इज अ की फैक्टर इन क्लीनिंग प्रोडक्ट सोप्स एंड पर्सनल केयर आइटम्स डिफरेंट पी एच लेवल्स आर इंडिके इफेक्टिव फॉर स्पेसिफिक क्लीनिंग टास्क सचेज एसिडिक सोल्यूशन फॉर रिमूवल मिनरल डिपॉजिट्स और एल्कलाइन सोल्यूशन फॉर ग्रीज रिमूवल जैसे मिनरल डिपॉजिट्स हैं ना उसके लिए एसिडिक सोल्यूशंस चाहिए और जो ग्रीज रिमूवल है उसके लिए एल्कलाइन सोल्यूशंस चाहिए पी एच ऑल्सो एफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द स्किन स्कैल्प एंड बॉडी अदर बॉडी पार्ट्स सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी बैलेंस चाहिए हमें पी के कारण से पी एच अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में पी कंट्रोल इज एसेंशियल इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल इन मैन्युफैक्चरिंग द इंडस्ट्रीज पी एच रेगुलेशन इज़ क्रिटिकल इन केमिकल रिएक्शंस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेटल प्लेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स टेक्सटाइल्स एंड पेपर सो ये सारे कॉमन चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग अभी तक फिलहाल वैसा कुछ मिला नहीं है जो हम लोग को स्पेसिफिक याद करना पड़े तो बस रीडिंग सब जगह पीएच का इंपॉर्टेंस बैलेंस्ड होना चाहिए एसिड रेन कॉस्ड बाय पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन लोअर दी एच ऑफ रेन वाटर एंड लीडिंग टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एक्वेटिक तो एसिड ड्रेन अगर हो गया ना तो वो उसका मतलब कैसे होगा वो पॉल्यूटेंट्स के कारण से होगा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये सारे इंडस्ट्रीज से तालाब और एक, एक्वेटिक एक्सिस्टम में जाएंगे तो उसको एसिड क्या बनेगा वो उसको एसिडिक बना देगा और रेन वाटर का पीएच लेवल कम कर देगा जिसके कारण से जो इक्वेटिक एनिमल्स है उनको हार्म है हेलाइड्स मतलब क्या होता है सॉल्ट कंटेनिंग द दे देलाइड आयन एज क्लोरीन ब्रोमाइड आयोडाइड एग्जाम्पल्स इंक्लूड सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड ठीक है ना सो so, वैसे सॉल्ट जिसमें हेलाइड आयन्स होते हैं हेलाइड आयन्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन सल्फेट्स सल्फेट्स मतलब सल्फेट्स मतलब सॉल्ट जिसमें सल्फेट आयन्स होते हैं सो सॉल्ट कंटेनिंग द सल्फेट आयन्स एस ओ फोर टू माइनस एस द एन आयन जैसे एम जी एस ओ फोर सी एस ओ फोर जैड एन एस ओ फोर कार्बोनेट्स मतलब वैसे सॉल्ट जिसमें कार्बोनेट आयन्स होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट नाइट्रेट्स मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें नाइट्रेट आयंस होते हैं जैसे के एन ओ थ्री ए जी एन ओ थ्री एन एच फोर एन ओ थ्री फॉस्फेट्स मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें फॉस्फेट आयंस होते हैं सोडियम फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फेट एसिटेट्स मतलब सॉल्ट्स कंटेनिंग जिसमें एसिटेट आयंस होते हैं जैसे सोडियम एसीटेट पोटेशियम एसिटेट कैल्शियम एसिटेट एसिडिक एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्मड अ अस्ट्रॉग एसिड रिएक्ट्स विद अ वीक बेस एसिडिक सॉल्ट्स है ना तो स्ट्रॉग एसिड रिएक्ट करना चाहिए वीक बेस के साथ में तो जिसके कारण से द सॉल्टे कटाइंस डिराइव फ्रामिस वन द एसिडिक सॉल्ट आर डिजोल्व इन वाटर दे कैन स्लाइटली इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस आयस लीडिंग टू अ स्लाइटली एसिडिक पी एच एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड है एसिडिक सॉल्ट है सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एन ए एचोर ये एसिडिक एसिडिक सॉल्ट है हाँ ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सोडियम क्लोराइड एनएच फोर सी एल एन एन ए एच एस ओ फोर ये एसिडिक सॉल्ट है फिर बेसिक सॉल्ट में देखो बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स वीक एसिड दिस सॉल्ट फ्रॉम द वीक एसिड्स एंड अनायंस डिराइव फ्रॉम द स्ट्रॉ बेस एनायंस फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पे एनायंस फ्रॉम द वीक बेस तो बेस से तो एनायन ही निकलेगा ठीक है ना एसिड से कैटाइन निकलता है एनायंस बेस से एनायन निकलता है तो अगर वीक बेस है तो अनायंस निकलेगा ठीक है ये चाहे स्ट्रोंग बेस हो तो उससे भी अनायंस निकलेगा ओके स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स निकलेगा कैटाइंस so, ठीक uh, है द बेसिक सॉल्ट आर द बेसिक सॉल्ट आर डिजॉल्व इन वाटर दे कैन स्लाइटली इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आइंस रिजल्टिंग इन अ स्लाइटली बेसिक पी एच एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री पोटेशियम एसिटेट तो एग्जाम्पल देख लो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं और एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम एसिटेट ये बेसिक सॉल्ट है ये इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है न्यूट्रल सॉल्ट्स के मतलब दे आर सॉल्ट्स फॉर्म विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ अट्रॉग बेस सॉल्ट्स दिस सॉल्ट डिराइव फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अनस डिराइव फ्रॉम द स्ट्रॉग बेस दे डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एच प्लस एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस इन द रिजल्टिंग इन ए न्यूट्रल पी एच एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट क्या है NaCl और KNO3 तो एग्जाम्पल्स ये इंपॉर्टेंट है हमको एग्जाम्पल्स ही ध्यान रखने हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट ये क्या था एसिडिक सॉल्ट था पोटेशियम कार्बोनेट uh, और सोडियम एसीटेट uh, ये क्या था ये बेसिक सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट ये न्यूट्रल सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं जो कि वर्सेटाइल केमिकल कंपाउंड है जो कि सारे बहुत सारे पर्पसेस में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट थ्रू क्लोर एल्कली प्रोसेस इन दिस प्रोसेस सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज टू प्रोड्यूस द सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस एंड नाइट्रोजन गैस क्लोरीन गैस इज अनदर इंपॉर्टेंट केमिकल डिराइव फ्राम द कॉमन सॉल्ट एंड इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू during the chloralkali process and uh, where the salt is electrolyzed to yield the chlorine gas sodium hydroxide and hydrogen gas hydrochloric acid can be produced by reacting the chlorine with water the reaction of chlorine gas with water forms the hydrochloric acid and hypochlorous acid which can be further processed to yield hydrochloric acid sodium bicarbonate also known as baking soda can be produced through solvay process विच इंक्लूड्स द रिएक्शन ऑफ द के में सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाई कार्बोनेट इज कॉमनली यूज इन कुकिंग बेकिंग एन अस हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट तो देख लो नाम ये है आ, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सॉरी क्लोरिन क्लोरीन गैस है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके लिए कौन सा प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस और सोडियम बाई कार्बोनेट के लिए कौन सा प्रोसेस है सोलवे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट आ जाओ सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं सोडा ऐश या वॉसिंग सोडा बोलते हैं बेकिंग सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट थ्रू यहाँ पे भी सोल्वे प्रोसेस होगा एंड द प्रोसेस इन इन्वॉल्व सेवरल केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस द सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइपोक्लोराइड एन एस सी एल ओ इसको हम लोग ब्लीच बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच 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 सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है वो कैन भी प्रोड्यूस बाई रिएक्टिंग द क्लोरीन गैस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज यूज एज अ डिसइनफेक्टेंट ब्लीचिंग एजेंट एंड अ वाटर ट्रीटमेंट द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्टर ऑफ एंड ड्राई टू टच और एपियर ड्राई ब्लू ड्यू टू देर हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो सॉल्ट का क्रिस्टल्स होता है ना तो वो ऑफ एंड ड्राई टू टच और एपीयर ड्राई ये ड्राई होते हैं क्यों क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है वाटर आर मिसिंग है ठीक है हाइग्रोस्कोपिक टू मेंटेन द ड्राईनेस ऑफ द सोल्ट क्रिस्टल्स इट इज कॉमन टू स्टोर दैम इन द एयर टाइट कंटेनर्स एंड यूज़ द मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एजेंट्स लाइक सिलिका जेल पैकेट्स टू मिनिमाइज द मॉइस्चर एब्जॉर्बशन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई